इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो लंपी स्किन डिजीज़ में मवेशियों को बुखार आता है, उनके जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी सूजन आ जाती है और 2 से 5 सेंटीमीटर के लंप यानी कि गांठें बन जाती हैं। संक्रमित मवेशी के पैरों में सूजन आ जाती है और मवेशी थकान का अनुभव कर सकते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ के मुख्य लक्षण बुखार, आँखों और नाक से पानी बहना, मुंह से लार का टपकना और शरीर पर छाले होते हैं। बुखार की शुरुआत वायरस से इन्फेक्शन लगने के लगभग 1 सप्ताह के बाद होती है। शुरुआत में बुखार 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है और लगभग 1 सप्ताह तक बने रह सकता है। इस समय तक सभी सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स की साइज़ बढ़ जाती है और उनमें सूजन आ जाती है। इस वायरस से पीड़ित मवेशी की त्वचा पर स्थायी नुकसान होता है, जिससे कि उनकी जो कमर्शियल वैल्यू होती है, उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त इस बीमारी का परिणाम स्वरूप अक्सर क्रॉनिक डेबिलिटी हो जाती है, मवेशियों में कमज़ोरी हो जाती है, उनका दूध का उत्पादन कम हो जाता है, बांझपन हो जाता है या गर्भपात और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। बीमार पशु खाना खाना बंद कर देता है और चबाने के दौरान समस्याओं का सामना करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है। लम्स या नोड्यूल्स या गांठें जो इस बीमारी में विशेष रूप से दिखाई देते हैं, ये लम्स वायरस का इन्फेक्शन लगने के 7 से 19 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। नोड्यूल्स के आने के साथ ही मवेशियों के आँख और नाक से पीप या मवाद युक्त बलगम निकलने लग जाता है। स्किन पर मौजूद लम्स या तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं, या फिर ये धीरे धीरे कठोर गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये लम्स आगे जाकर अल्सर्स में बदल सकते हैं, जिनमें से मवाद रिश्ता रह जाएगा या उसमें से सीरम निकलता रह जाएगा।